नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं ट्रिप्टोमार्क टैबलेट के बारे में। डॉक्टर रेडिस कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। प्राइस की बात करें तो ये बहुत ही सस्ती आती है, 30 टैबलेट महज 70 रुपये में मिल जाती है। जानते हैं दोस्तों ये टैबलेट किन किन समस्याओं में काम करती है, इसको ली जाने वाली डोज क्या रहती है और साथ ही जानेंगे इस टैबलेट से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट में एमीट्रिप्टिलाइन साल्ट है। ये एंटी डिप्रेशन साल्ट है जो कुछ केमिकल मैसेंजर को प्रभावित करके काम करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करते हैं। तो प्रमुख रूप से इस टैबलेट का इस्तेमाल डिप्रेशन यानी कि अवसाद की समस्या में किया जाता है। ये टैबलेट आपके मूड को ठीक करके जीवन शैली को बेहतर बनाती है। दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में डिप्रेशन की समस्या अधिकतर लोगों में देखी जाती है, तो आपको समय रहते ही मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। डिप्रेशन के अलावा इस टैबलेट को न्यूरोपैथी पेन में भी मनोचिकित्सक द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में दर्द है या मांसपेशियों में दर्द है, नींद नहीं आती है या माइग्रेन की समस्या है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। 6 साल से बड़े बच्चे बिस्तर गीला करते हैं तो भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों इन समस्याओं के अलावा भी अन्य प्रकार की मानसिक समस्याओं में डॉक्टर इस टैबलेट को अपने अनुभव के आधार पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में। ट्रिप्टोमर टैबलेट 10 mg और 25 mg के रूप में आती है। कंडीशन के अनुसार इसकी डोज अलग अलग रहती है, लेकिन अगर सामान्य खुराक की बात करें तो इसे रात के समय में एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, जिसे आपको एक निश्चित समय पर लेना चाहिए। कब तक लेना है ये भी मरीज की कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए आप हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही लें। दोस्तों आखिर में जान लेते हैं इस टैबलेट से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसे लेने से नींद आना, सिर दर्द, मुंह का सूखना, मतली, कॉन्स्टिपेशन या वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट हर किसी में नहीं होते हैं, महज कुछ मामलों में ही देखे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।